सूरत शहर के भाठेना विस्तार के अंदर। भाठेना विस्तार के अंदर एक भाई के पान की दुकान है। हमने देखा उनके पान के दुकान में संत आसाराम जी बापू का फोटो लगा है। आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, फिर भी इन्होंने संत आसाराम जी बापू का फोटो लगाया है। हम उनसे जानते हैं कि आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास होने के बाद भी उनकी श्रद्धा भक्ति में क्या कमी आई। क्या नाम है आपका? गुलाब चंद मौर्य। गुलाब चंद जी, कहाँ से आते हो ऐसे आप? तो इलाहाबाद के रहने वाले हैं। ऐसे इलाहाबाद के रहने वाले, सूरत में आप पान का गल्ला चलाते हो। हमने देखा आपके गल्ले के अंदर, मतलब पान के दुकान में, संत आसाराम जी बापू का फोटो लगा है। आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, क्या कहोगे उसके विषय? तो बापू जी पर निर्दोष हैं और इनको जो लोगों के प्रति श्रद्धा और भाव है उसके प्रति लोगों में श्रद्धा जागना चाहिए। और निर्दोष होने के नाते और सरकार से हम ये विनती और प्रार्थना करेंगे, जितना हो सके जल्दी से जल्दी उन्हें बाहर किया जाए और लोगों के प्रति जो श्रद्धा है उससे बढ़ाया जाए। कितने सालों से जुड़े हो संत आसाराम? हम तो 10 साल हो गए मेरे को। 10 साल हो गए। इलाहाबाद भी संत आसाराम जी बापू का आश्रम होगा, वहाँ भी जाते हो गए, यहाँ सूरत में भी जाते हो जी, जी। तो क्या कभी कोई ऐसी गतिविधियाँ देखी कि आश्रम के अंदर ऐसे कोई काम? कोई हम तो कभी नहीं देखे हैं ना सुने हैं। लोगों के द्वारा चर्चाएं में चाहे जो किसी के ऊपर कीचड़ उछाल करके अब जस लगा दिया जाए क्या होता है वहाँ पे? 10 सालों से जुड़े हो, क्या होता है वहाँ? तो लोग आते हैं, श्रद्धा के लिए आते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं श्रद्धा के द्वारा। मतलब श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई? या ग्राहक नहीं बोलते कस्टमर के बापू का फोटो क्यों लगाया है? ग्राहक बोलने से क्या होगा, हमारा श्रद्धा हम तो कभी नहीं छोड़ेंगे ना। क्या कहोगे, 10 सालों से जुड़े हो, संत आसाराम जी बापू ऐसा काम कर सकते हैं क्या? हम तो कभी नहीं कह सकते हैं। क्या आज भी आसाराम जी बापू को निर्दोष मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। उम्र के हिसाब से बापू जी को छोड़ देना चाहिए, सरकार से विनती करेंगे हम। आपने देखा सूरत शहर के भाठेना विस्तार के अंदर ये भाई पान का गल्ला चलाते हैं। संत आसाराम जी बापू से 10 सालों से जुड़े हुए हैं। उनका यही कहना है कि संत आसाराम जी बापू ऐसा काम कर ही नहीं सकते। बोले 10 सालों से हम आश्रम जाते हैं, बोले आश्रम के अंदर ऐसी कोई गतिविधियाँ होती ही नहीं है। बोले वहाँ भक्ति संयम सदाचार का पाठ पढ़ाया जाता है, बोले ऐसा कभी हुआ ही नहीं। आज आश्चर्य की बात है कि संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई तो भी भक्त लोग आज उनकी दुकान के अंदर बापू का फोटो लगाए है। और भक्तों का यही कहना है कि भले आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, हमारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। आज भी आसाराम जी बापू को भक्त निर्दोष मानते हैं और लगातार प्रशासन से, सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत शहर भाठेना से रफ्तार न्यूज़।